330 डिग्री तक का आधिपत्य शनि महाराज की मूल त्रिकोण राशि कुंभ का है और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से ही गुजर रहे हैं वर्तमान गोचर में और वक्री हो रखे हैं। तो अभी तो सारस्वती का दौर पेट पे आया था, सिर से उतरा था, अब शनि वक्री हो गए। शनि बहुत जल्दी आपको सबक सिखाना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपको, क्योंकि आप उनकी मूल त्रिकोण राशि हैं तो वो आपका बेहतर चाहते हैं, तो इसलिए वो आपसे अपेक्षा करते हैं कि जो पिछले 2.5 साल के संघर्ष में आपने जीवन में दुनियादारी में सीखा है उससे आपने क्या पाया। ये 4 महीने का जो शनि का वक्रत्व है, ये समझ लीजिए आपकी परीक्षा है, इसी से संबंधित है ये शनि का वक्रत्व। और ये सारस्वती भी आपके चल रही है तो दोनों तरफ से शनि काफी स्ट्रॉन्ग, बहुत जल्दी फल देने वाला माना जा सकता है। अब शनि जब राशि पर से गुजरेगा उसकी दशम दृष्टि आपके कर्म स्थान पे होगी, तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम पे होगी और सातवीं दृष्टि आपके पार्टनर और डे टू डे एक्टिविटी आपके लाइफ पार्टनर के हाउस पे होगी। ये 3 जगहों पे शनि की दृष्टि पड़ती है, बड़े इंपॉर्टेंट घर है तो इनसे संबंधित फल बढ़ जाते हैं। आपके कर्म से संबंधित कुछ बदलाव, कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ एडिशन, काम धंधे में एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ और भी साथ में ऐड किया जाए, अपने संसाधनों को बढ़ाया जाए अपने धन अर्जन करने के लिए। प्राकर्म भाव में वैसे ही बृहस्पति राहु चल रहे हैं, दोनों की दृष्टि आय स्थान पे पड़ रही है। सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं जिनपे राहु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। मंगल स्वभाव से उग्र ग्रह है, आपके दशमेश है और प्राकर्मेश भी है, उस पे राहु की दृष्टि पड़ रही है। राहु मंगल का ये अंगारक योग बन रहा है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, जीवन साथी के साथ भी मन उठाव को संकेत दे रहा है, पार्टनर्स के साथ भी ऐसी ही स्थिति बन रही है, किंतु आपका टेम्परामेंट भी डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि इस मंगल पे राहु बृहस्पति का दृष्टि है और ऊपर से शनि के साथ सम सप्तक योग भी इस मंगल का बना हुआ है। अपने टेम्परामेंट का आपकी परीक्षा है, जैसे मैं अभी पहले आपको बोला कि शनि इस वक्रत में आपकी परीक्षा लेंगे तो आपके धैर्य की परीक्षा होगी। धैर्य के स्वामी शनि हैं, अपने धैर्य को बरकरार कीजिए, उसको सुदृढ़ कीजिए और अपने लड़ाई झगड़े वाद विवाद की जगहों पे ज्यादा देर टिकिए नहीं, निकल लीजिए वहां से। जितना अवॉइड करेंगे उतना बेहतर अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आय स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि है, आय की स्थिति बेहतर है और बृहस्पति संसाधन जुटा रहा है आपको और आपके लिए पैसे की व्यवस्था हो रही है। और शुक्र भी ज्वाइन कर जाएगा मंगल को जब 6 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश करेगा, तो शुक्र आपके लिए एक योग कारक ग्रह है, आपके भाग्य और आपके सुख स्थान का स्वामी 6 घर से निकल के 7 घर में आ जाएगा। तो आपको भी मैं कहना चाहूंगा कि शुक्र को बलवान करने के लिए अपने फीमेल रिलेशंस के साथ रिलेशन को सुधारें तो देखिए शुक्र आपको बहुत अच्छे फल देगा। जितने भी आपके बुआ माँ बहन के अलावा और जितने रिलेशंस हैं इन सब में फीमेल रिलेशन को जितना आप अच्छा रखेंगे उतने शुक्र आपको अच्छे फल देगा, बढ़िया जीवन साथी का साथ मिलेगा तो आप बड़े से बड़े कार्य कर जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता, आप समुंदर हैं, कुंभ हैं, आप एक ज्ञान का घड़ा है तो आपके पास नॉलेज की तो कोई कमी नहीं है और आपके अंदर नॉलेज की थर्स्ट भी बहुत है। उस परमात्मा को पाने के लिए आप काफी चिंतन करते हैं, गहरी गहराई लिए हुए हैं, तो ये दौर इंट्रोस्पेक्शन का दौर है। सारी स्थितियां काबू में ही समझिए, ग्रहों की अलाइनमेंट कोई इतनी बुरी भी नहीं है। सूर्य बुध पंचम भाव में बुध आदित्य योग बना रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंस सुपर काम कर रही है, हेड स्ट्रॉन्ग बनाए हुए है, परीक्षाओं में आप सफल होते जा रहे हैं, सब अच्छी
फलों की प्राप्ति हो रही है, परीक्षार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया है, स्पेकुलेशन ऑफ मनी, शॉर्ट टर्म मनी में पैसा लगा के लाभ पाने का जो आपका अभी का बन रहा है वो भी पोजीशन बहुत बेहतर है। तो कुंभ राशि ओवरऑल लाभ की स्थिति में दिखाई दे रही है। 20 और 21 को दो दिन चंद्राष्टम की स्थिति बन रही है। अब इस चंद्राष्टम की स्थिति में आपको चंद्रमा को बल देने के लिए नहीं, वैसे भी आपको शिव जी की शरण में रहना होगा। शिवालय जाइए, कच्चे दूध से शिवलिंग को स्नान कराइए, अभिषेक कीजिए और भोले भंडारी की शरण में रहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी।